हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस क्रिकेट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है। उस 2023 में 16 मैच जो होने वाला है 18 अक्टूबर को वेडनेसडे को, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान इन चेन्नई। तो आज हम इस टीम के एनालिसिस करेंगे और हम बताएंगे आपको कि आप किस तरह से अपनी टीम बनाएं और जितने भी फैंटेसी लीग्स हैं उनमें कैसे अपना स्कोर अर्जित करें और आप टॉप पे कैसे आएं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो आपको डिफरेंट माइंडसेट से आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी और हर एक टीम का अपना अपना अलग माइंडसेट होगा। उस माइंडसेट के लिए आपको हमारे वीडियोस देखना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपको इससे एक अलग व्यू मिलेगा, एक अलग सी एनालिसिस मिलेगी। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस आप जो है अपनी टीम जो है क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये टीम है भाई ये ले लो, ये टीम है भाई ये ले लो, तो आप अपनी टीम बना के और ड्रीम इलेवन की टीम से आप पैसा कमा लें। ऐसा कभी हुआ नहीं है और जो लोग ये बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दूंगा, आप उस एनालिसिस को फॉलो करिए वन बाय वन। हाँ, हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, बट आप उस एनालिसिस को फॉलो करिए और अपने उस एनालिसिस के बेस पे अपनी टीम क्रिएट करिए। जिस भी पर्सपेक्टिव से आप सोचते हैं, जिस भी थिंकिंग से आप सोचते हैं, उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्टैट्स हैं, क्या क्या कैसे पिच वहाँ की बिहेव करेगी, कौन कौन से प्लेयर हैं जो फॉर्म में हैं, जिनको पिक करना चाहिए, जिनका करेंट हाल या फॉर्म बहुत ही अच्छा है, किसको हम कैप्टन बनाएं, किसको हम वाइस कैप्टन बनाएं, किस पर्सपेक्टिव से कौन से प्लेयर को पिक करें। आइए हम एक एक करके देखते हैं। तो जो 16 मैच है वो 18 अक्टूबर को होने वाला है चेन्नई में। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो चेन्नई की पिच है वो स्पिनर को काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, यानी स्पिनर्स को अगर मदद करेगी तो आप ये मान के चलिए कि फास्टर्स होंगे उनको कम विकेट मिलेगा। तो आप अपनी टीम में उन स्पिनर्स को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, उनको ज़्यादा तवज्जो देंगे अपनी टीम बनाने के टाइम। और ये याद रखिएगा कि अगर आपकी टीम में स्पिनर्स हैं, यानी आपका जो है वो मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होंगे वो बहुत रेयर होगा कि वो चलेंगे, ठीक है। जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं वो सेट हो सकते हैं तो वो स्पिन को खेल सकते हैं, बट मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को पिक करना थोड़ा सा ऐसा डाइसी मामला हो सकता है। तो आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को ही पिक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स को पिक करिए अपनी टीम में। आइए अब देखते हैं कि इन दोनों टीमों का हेड टू हेड क्या है, पहले कि ये दोनों टीमें आपस में कितनी बार खेली हैं। अफगानिस्तान में ये टीमें एक बार भी नहीं खेली हैं और न्यूजीलैंड में ये टीम एक बार खेली हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड को ही जीत मिली है। न्यूट्रल वेन्यू पे एक बार टीम खेली है जिसमें से जो है न्यूजीलैंड को जीत मिली है। यानी टोटल ये दोनों टीमें आपस में दो मैच खेली हैं और दोनों के दोनों मैच जो है न्यूजीलैंड जीती है। तो इस एनालिसिस को देखते हुए तो न्यूजीलैंड का पल्ला भारी है, बट लास्ट मैच में अभी रिसेंट जो मैच हुआ था उसमें अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया। तो इसका भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो हमें पिक करने हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी टीम बनाइएगा। ये रही बात हेड टू हेड की। अब जहाँ मैच होने वाला है, आइए चलते हैं अब उस मैच को देखते हैं कि उस मैच में क्या क्या होने वाले हैं, वो वहाँ की पिच कैसे बिहेव करती है। तो टोटल चेन्नई में जो है वो 25 मैच खेले हुए हैं, ठीक है। जो होम साइड है वो 8 मैच जीती है, जो टूरिंग साइड है वो 6 मैच जीती हुई है, ठीक है। मतलब अगर होम बोले तो यहाँ पे होम एडवांटेज मिलता है। न्यूट्रल साइड जो है वो 10 मैच जीती हुई है, यानी टोटल जो है 10 मैच जीती हुई है। जो पहले बैटिंग करता है वो 14 मैच जीता हुआ है, जो सेकेंड बैटिंग करता है वो 10 मैच जीता हुआ है। तो मोर और लेस हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही हैं। फिर जो टॉस जीतता है वो 17 बार
जीत चुका है मैच को, और जो टॉस हारता है वो 7 बार जीत चुका है। यानी इस पिच पे टॉस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। तो आप अकॉर्डिंग्स टू टॉस अपना अपना जो है टीम बनाइएगा, कि अगर जो टीम टॉस जीत के फील्डिंग करती है या बैटिंग करती है उसके अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाएगा। यहाँ पे टाई मैच एक भी नहीं हुआ है, यहाँ पे नो रिज़ल्ट एक मैच का हुआ है, बारिश कारण वो धुल गया था मैच। मैच टोटल मैच जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 मैच खेल चुके हैं होम साइड जो है वो ऑलरेडी, ये रिपीटेड इन्फॉर्मेशन है। नाउ हाईएस्ट टीम इनिंग जो है वो 337 रन यहाँ का हाईएस्ट है, और लोवेस्ट जो है वो 69 रन है, 69 रन जो है यहाँ पे लोवेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है हाईएस्ट रन चेज हुआ है दोस्तों वो 291 रन चेज हुआ है। यानी यहाँ पे है बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला है। यहाँ पे पर विकेट जो अगर हम बात करें एवरेज पर विकेट, तो वो 29.98 का है, करीबन करीबन 30 का। यानी हर एक 30 रन पे एक विकेट जो है वो गिर जाता है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज रन पर इसको ओवर है वो 5.16 है। यानी अराउंड अगर 50 ओवर का मैच है तो आप ये मान के चलिए कि 250 रन के अराउंड, 250 रन के अराउंड हर एक टीम जो है बनाती होगी, ठीक है। और जो अब हम बात कर रहे थे कि एवरेज स्कोर ऑफ बैटिंग का है वो 232 रन है जो एवरेज स्कोर यहाँ पे बनता है। तो आप इसे एनालिसिस लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा रन बनने की संभावनाएं नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा रन बनने की संभावनाएं नहीं है तो आप अपनी टीम में क्या करेंगे, बहुत कम बैट्समैन रखेंगे, और जो बॉलर्स हैं और जो ऑलराउंडर हैं आप उनको पिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रन बनते नहीं हैं, तो बैट्समैन जितना कम हो सके आप अपनी टीम में रखिए, ऑलराउंडर को और बॉलर्स को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। उसमें से भी जो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं या स्पिन बॉलर हैं आप उनको अपनी टीम में ज़्यादा रखिए। यहाँ पे जो रीसेंट मैच हुआ था वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि इसका जो एवरेज टोटल है वो 232 रन का है। रिसेंटली मैच में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम ने 199 रन बनाया था, जिससे जो है इंडिया 41.2 ओवर में 4 विकेट खो के 201 रन बना के जीत हासिल कर ली थी, जो 6 विकेट से इन्होंने इस मैच को जीत लिया था। अभी उसके बाद अगला मैच जो था वो 13/10/2023 को था, वहाँ पे जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें बांग्लादेश ने 245 रन बनाए थे 50 ओवर में 9 विकेट खो के, और न्यूजीलैंड ने उसे 42.5 ओवर में ही उस टोटल को 248 रन बना के जीत लिया था। तो ये है उस स्टेडियम का मोटा मोटी स्टैट्स, कि आपको यहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग मैच नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो स्पिनर्स हैं वो अपना छाप छोड़ेंगे, यहाँ पे फास्ट बॉलरों को बहुत कम सफलताएं मिलती है अगर आप स्पिनर्स को कंपेयर करेंगे तो आप अपनी टीम में बहुत ज़्यादा बैट्समैन रखिएगा नहीं, जितना जितना हो सके ऑलराउंडर रखिए, जितना से जितना हो सके बॉलर्स रखिए। तो आइए चलिए देखते हैं दोस्तों कि जो है कल प्रॉबेबल 11 क्या होने वाली है मैच में। ये है न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड की टीम, और ये है अफगानिस्तान की टीम। न्यूजीलैंड की टीम में कौनवो होंगे, रचिन रविंद्र होंगे जो बहुत अच्छे फॉर्म में है, कौनवो भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, केन विलियमसन जो होंगे ये अभी चोट के बाद रिकवरी कमबैक कर रहे हैं, डैरिल मिचर फॉर्म में है, ग्रैन फिलिक्स एक अच्छे बल्लेबाज हैं और एक अच्छे स्पिनर भी हैं जो विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, यहाँ पे टॉम लेथम इनके विकेट कीपर हैं, मार्क चैपमैन ये बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बट अभी इस वर्ल्ड कप में इनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। मिचेल सेंटनर हैं जो एक अच्छे गेंदबाज के साथ एक अच्छे बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, मैट हेनरी एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लॉकी फर्गीसन भी एक बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, ट्रेंट बोल्ट जो हैं वो अपनी बॉलों को स्विंग करा के स्टार्टिंग में ही विकेट चटकाते हैं। तो ये है टोटल मोस्ट प्रोबेबल 11 जो नियर अबाउट आई थिंक लास्ट मैच में खेली थी, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अगर चेंज होने होंगे तो आप अपनी टीम में टीम अकॉर्डिंग टू चेंज जो है आप अपनी टीम को चेंज कर लीजिएगा। अगली अफगानिस्तान की बात करें तो हम जो है गुरबाज हैं, इब्राहिम जादरान हैं, रहमत हैं,
शहीदी हैं, गुरबाज बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इब्राहिम उनका बहुत अच्छा साथ देते हैं, रहमत उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, शहीदी ठीक ठाक फॉर्म में है, हज़रतुल्ला उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, आकरम कुलखिल एक मैच लास्ट मैच खेला था, उस लास्ट मैच में इन्होंने 50 जमाई थी, तो ये ठीक ठाक फॉर्म में है। फिर आते हैं नाबी, नाबी इनकी बैकबोन कहे जाते हैं, ठीक है, ये बैट से भी कमाल करते हैं और ये बॉल से भी कमाल करते हैं। फिर आते हैं राशिद खान, इनके की प्लेयर हैं राशिद खान और मुजीब, ये की बॉलर्स हैं, पूरी की पूरी टीम इन तीनों पे डिपेंडेंट रहती है कि ये विकेट चटका के चेन्नई में आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे, लास्ट मैच में भी जो लखनऊ में मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, इन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये आपको विकेट चटका के ही देंगे। फिर आते हैं नवीनुल हक और फैजल हक फारूकी, जो ठीक ठाक गेंदबाजी कर लेते हैं, फास्ट बॉलर हैं ये अफगानिस्तान के। तो आइए चलिए देखते हैं वन बाय वन स्टैट्स, और अकॉर्डिंग टू स्टैट्स जो है हम अपनी टीम को पिक करेंगे, ठीक है, कि हम किस के साथ जाने वाले हैं और किस प्लेयर्स के साथ नहीं जाने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले डेविड कॉर्नो की बात करूँगा, इनका फॉर्म, हालिया फॉर्म बहुत ही अच्छा है। अगर बात करें कि वर्ल्ड कप की, तो इन्होंने 3 इनिंग खेली है जिसमें से एक बार ये नॉट आउट रहे हैं, टोटल इन्होंने 229 रन बनाए हैं जिसमें से इनका जो बेस्ट सर्वाधिक स्कोर है वो 52 रन है। टोटल अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो 14 का एवरेज है, जिसको अचीव करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए इन्होंने एक सेंचुरी जड़ी है, जो कि जो इनका स्ट्राइक रेट है वो 104 का स्ट्राइक रेट है, और ये ओपनिंग बैटिंग करते हैं, और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने टोटल मिला के 4 कैचेस पकड़े हुए हैं, मोस्ट कैच इन इनिंग जो है, एक इनिंग में इन्होंने 2 कैच, सबसे ज्यादा सर्वाधिक कैच पकड़े हुए, तो ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। इनके बिना आप ड्रीम इलेवन की टीम अपनी नहीं बना सकते, जिस तरीके की ये पिछले कुछ मैचों के फॉर्म में है, तो ये इनको आप अपनी टीम में रखिएगा ही रखिएगा, ये मेरा सजेशन है, मैं अपनी टीम में जरूर रखूंगा इनको। नेक्स्ट हम बात करते हैं रविंद्र की, ये भी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, इन्होंने 3 इनिंग में एक बार ये नॉट आउट गए हैं, 183 रन टोटल इन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 123 रन जो है इनका बेस्ट है, सर्वाधिक स्कोर है, और इन्होंने इनका जो एवरेज है वो 91.50 का है, इन्होंने 150 और 1 सेंचुरी लगाई है दोस्तों, और इनका सबसे बड़ी बात की जो स्कोरिंग रेट है वो 114 का है, जो स्ट्राइक रेट है इनका 114 का है, ये ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं, ठीक है, और इनका जो हाई स्कोर है वो 123 रन है, जैसा कि हम आपको बताए हैं, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये एज अ ओपनर भी हैं, और इसके बाद ये लेफ्ट आर्म गेंदबाजी भी करते हैं दोस्तों, और वो भी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। तो इन्होंने टोटल 3 मैच में 27 ओवर डाले हैं, जिसमें से इन्होंने 162 बॉलें पे की हैं, एक भी मेडल नहीं है, कुल जो रन स्कोर की करवाया, रन दिया है वो 159 रन है, और इन्होंने 2 विकेट भी प्राप्त किए हैं, जिनमें एवरेज इनका जो है 79.50 का है, ठीक है, तो ये, और इनका जो इकोनॉमी रेट है वो 5.89 का है, जो स्ट्राइक रेट है वो 81 का है, तो ये टोटल मैं ये बोल सकता हूँ कि ये कॉम्पैक्ट प्लेयर है जो आपको एक अच्छा पॉइंट दिलाएंगे इस पूरे ड्रीम इलेवन की टीम में, आप फैंटेसी की टीम में, जो भी आप लीग खेल रहे हो उस लीग में आपको ये अच्छा पॉइंट दिलाएंगे दोस्तों, तो आप इनको अपनी टीम में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं केन विलियमसन की, केन विलियमसन के पास जो है वर्ल्ड कप खेलने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट इन्होंने ये कमबैक कर रहे हैं अपनी इंजरी से अपने, तो इन्होंने इस वर्ल्ड कप में केवल अभी तक एक ही मैच खेला है, बाकी इनकी बात करें टोटल मैचों की तो इन्होंने 23 इनिंग खेली है, जिसमें से ये 7 बार नॉट आउट गए हैं, और इनका जो टोटल रन है वो 989 और हाईएस्ट स्कोर जो है वो 148 रन का है, और जो एवरेज है उनका वो 61.81 का है दोस्तों, जिसमें से उन्होंने 450 और 2 सेंचुरी जमाई है, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 77 का है, तो स्ट्राइक रेट तो थोड़ा सा कम है कंपेयर अगर मॉडर्न डेट क्रिकेट की बात किया जाए, लेकिन इनका जो रन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा है, इन्होंने 61 की स्ट्राइक रेट से इतना रन अचीव किया है, इन्होंने इतना रन
बनाए जिसमें से जो उनका बेस्ट स्कोर है वो 148 रन का है। ठीक है, तो इनको भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं क्योंकि ये एक अच्छे बल्लेबाज हैं, एक अच्छे बल्लेबाज के साथ एक अच्छे कैप्टन भी हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ऑलराउंडर न्यूजीलैंड के डैरिल मिचेल की। तो डैरिल मिचेल ने इस पूरे वर्ल्ड कप में 2 मैच खेला है जिसमें से वो एक बार नॉट आउट गए हैं, 137 रन उन्होंने बनाए हैं जिसमें से हाईएस्ट रन जो है उनका 89 का है। और अगर इनकी बात किया जाए तो ये जो है 137 के एवरेज से खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 120 का स्ट्राइक रेट है। जी हाँ दोस्तों, 120 के स्ट्राइक रेट से ये इन्होंने जो है टोटल इन्होंने 137 रन बनाए हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और इस साथ साथ इसके बाद इनके पास वो बॉलिंग एबिलिटी भी है जो स्लोअर बॉल फेंकते रहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अभी तक तो इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग नहीं की है, बट ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं अगर बात किया जाए न्यूजीलैंड की, तो मैं इनको भी अपनी टीम में पिक करूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको इनको अपनी टीम में रखना चाहिए तो प्लीज़ अगर इनको कंसीडर करें, अदरवाइज लेफ्ट कर लें। नेक्स्ट आते हैं प्लेयर जो है वो हैं फिलिप्स जो है एक अटैकिंग बल्लेबाज है। अभी तक इन्होंने इस वर्ल्ड कप में 2 इनिंग खेली है, इन 2 इनिंग में इनको ज़्यादा चांस तो नहीं मिला है, तो इन्होंने केवल अभी तक 20 रन ही बनाए हैं जिसमें से जो है एवरेज इनका 30 का है। स्ट्राइक रेट पर बात गौर करिए दोस्तों, 133 का है, जिसमें से स्ट्राइक रेट का मतलब अगर हाई है तो ये चौके और छक्के बहुत लगाते होंगे। साथ ही अगर हम बात करें कि इनकी बॉलिंग की, तो इन्होंने कुल 7 ओवर फेंके हैं, 42 बॉल पे इन्होंने 41 रन जो दिए हैं, और इनको 3 सफलताएं मिली है दोस्तों, जिसमें से एवरेज जो है उनका 13.67 का निकल का आता है, और बेस्ट फिगर उनका जो है 2 विकेट लिए हैं 17 रन दे के। इनकी जो इकोनॉमी है वो जो है 5.86 की है, और जो स्ट्राइक रेट है वो 14 का है। तो आप इनको टीम में एज अ ऑलराउंडर रख सकते हैं क्योंकि चेन्नई का विकेट है और ये एक स्पिन बॉलर है, तो आप इनको अपनी टीम में पिक भी कर सकते हैं। अगर आप इनको पिक करते हैं तो ये एक बुरी पिक नहीं होगी क्योंकि जो है ये एक अच्छे बल्लेबाज के साथ एक अच्छे बॉलर भी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूजीलैंड के विकेट कीपर की, टॉम लेथम की। तो टॉम लेथम 10 मैच खेले हैं, ठीक है, एक बार नॉट आउट गए हैं, 208 रन है इनका टोटल, इनका 57, इनका जो एवरेज है वो 10.11 का है, और इन्होंने 250 लगाई है वर्ल्ड कप में। इनका जो स्कोरिंग रेट है वो 79.39 का है, और हाईएस्ट इसमें 57। तो यानी इन ये एक अच्छे प्लेयर हैं, बट इनका अभी तक वर्ल्ड कप सही नहीं गया है। तो आप अगर एज अ विकेट कीपर, मैं बोलूंगा कि गुरबाज और टॉम लेथम में किसको रखिए, तो मैं ऑलवेज मैं आपको बोलूंगा कि आप गुरबाज को रखिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको एक और अलग एक्सपेक्ट से देखना है तो आप टॉम लेथम को अपनी टीम में रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्क चैपमैन, ये एक अच्छे बल्लेबाज हैं, बट अभी तक इनको ये एक बहुत युवा करियर है इनका अभी, तो अभी इनको वर्ल्ड कप में ज़्यादा चांस नहीं मिला। एक मैच में, लास्ट मैच में शायद खेले थे ये, और इन्होंने 5 रन स्कोर किया था, 5 रन इनका हाईएस्ट है, ठीक है। इनका स्कोरिंग रेट 38.46 का है, जबकि ये इनको जस्टिफाई नहीं करता दोस्तों, ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग ये इनका स्ट्राइक रेट नहीं है। ये बहुत ही अच्छे हीटर हैं, तो अराउंड इनका 100 से ऊपर तो स्ट्राइक रेट होगा ये अगर आने वाले दिनों में। तो आप इनको एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री पिक करना चाहें तो आप पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बल्लेबाज की बात करें तो मिचेल सेंटनर की बात करते हैं। इनको बैटिंग भी आती है दोस्तों, इनको बॉलिंग भी आती है, ये बैकबोन कहे जाते हैं न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी के। इन्होंने 9 मैच में 108 रन भी बनाए हैं जिसमें से 36 का एवरेज है, 36 रन हाईएस्ट है इनका, और जो स्ट्राइक रेट है वो 93 का है। अगर हम वही बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग इन्होंने 97 ओवर फेंका है जिसमें से इन्होंने 582 बॉलें फेंकी हैं, 5 मैडन फेंका है, और इन 582 बॉलों फेंकने के बाद इन्होंने 450 रन भी खाए हैं, और उन्होंने 14 विकेट भी लिया है जिसमें से एवरेज 32.14 का मॉडल का आता है। एक बार 4 विकेट लिया है, और इनका जो बेस्ट फिगर है 59
59 रन लेके जो है 5 विकेट लेने का है। उनकी इकोनॉमी देखिए दोस्तों 4.67 6-4 की है, तो आप उनको जरूर पिक करिएगा अपनी टीम में, क्योंकि ये जो है एक अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं और चेन्नई का विकेट है तो स्पिन को ज्यादा मदद मिलेगी ही मिलेगी। फिर बात करते हैं मैट हेनरी की। मैट हेनरी ने टोटल 126 ओवर फेंका है जिसमें से 756 गेंदे फेंकी हैं, 8 मैडन फेंका है, 624 रन दिया है, 24 विकेट है इनके नाम, और इनका जो एवरेज है वो 26 का है, तो एक डिसेंट सा एवरेज है। बट अगर बात करें कि चेन्नई के विकेट है तो मैं इनको पिक नहीं करूंगा, क्योंकि चेन्नई के विकेट में नॉर्मली जो है वो बॉलर्स बॉलिंग में स्पिन कारगर होगी, तो इसलिए मैं स्पिन गेंदबाजी को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। बेस्ट बात करते हैं बेस्ट फिगर की इनके, तो 47 रन देखे, 4 विकेट है इनका। इकोनॉमी की बात करते हैं तो 4.5 की इकोनॉमी है। स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो 31.50 का स्ट्राइक रेट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉकी फर्ग्यूसन की। लॉकी फर्ग्यूसन ने टोटल 101 ओवर फेंका है जिसमें से उन्होंने 610 बॉलें फेंकी हैं, 610 बॉलें फेंकी हैं, 3 मैडन फेंका है, 490 रन दिया है और 24 विकेट हैं इनके नाम पे। इनका जो एवरेज है वो 20 का निकल के आता है। इन्होंने एक बार 4 विकेट लिया है, 37 रन देके 4 विकेट लिया है। इनका जो इकोनॉमी है वो 4.82 का है और जो स्ट्राइक रेट है वो 25.42 का है। यानी मैं इनको अगर दूसरी पिच पे होता तो मैं लॉकी फर्ग्यूसन को जरूर पिक करता, बट चेन्नई की पिच है तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी टीम में स्पिनर्स ज्यादा रखूं। नेक्स्ट बॉलर की बात करें तो ये हैं आपके ट्रेंट बोल्ट, एक अच्छे बॉलर हैं। तो ट्रेंट बोल्ट ने अभी तक 212 विकेट 212 ओवर फेंके हैं, 1272 रन दिए हैं जिसमें से 1272 बॉलें फेंकी हैं जिसमें से 19 मेडन हैं, 977 रन दिए हैं इन्होंने, 42 विकेट मारा है जिसमें से एवरेज निकल के आता है इनका 23.26 का, और 4 बार इन्होंने 4 विकेट मारा है, 27 रन देके 5 विकेट लेना इनका बेस्ट फिगर है। और जो इकोनॉमी की बात करें हम तो इन्होंने 4.61 के इकोनॉमी रेट है इनका, और जो स्ट्राइक रेट है वो 3.29 का है। तो मैं इनको अपनी टीम में जरूर रखूंगा दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जो स्टार्टिंग के हर एक ओवर में झटका देते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के ओवरों में झटका ये जरूर देखते हैं अपने अपोनेंट टीम को। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट अपोनेंट टीम क्या है, अफगानिस्तान की टीम। तो गुरबाज एक अच्छे बल्लेबाज हैं, जबरदस्त फॉर्म में, 3 मैच में 148 रन बनाया है जिसमें जिन्होंने इनका जो हाईएस्ट है वो 80 रन है और जो एवरेज निकल के आता है वो 4.33 का है। यानी ये बेस्ट एवरेज है एज अ ओपनर, इन्होंने एक पत्ती जमाई है और जो स्ट्राइक रेट है वो है आपका 100, ठीक है। तो ये एक अच्छे पिक होंगे, मैं अपनी टीम में इनको जरूर रखूंगा, क्योंकि गुरबाज एक अच्छे प्लेयर हैं, एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और अफगानिस्तान को बहुत ही बैकबोन की तरह सपोर्ट करते हैं। फिर हम बात करेंगे जादरान की। तो जादरान कुछ अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं, 3 मैच में 72 रन बनाए जिसमें 24 का एवरेज है इनका और 71 का स्ट्राइक रेट है। तो अगर आप चाहे तो अपनी टीम में रख सकते हैं, मैं अपनी टीम में इनको नहीं रखूंगा क्योंकि इनका जो हालिया फॉर्म है वो उतना अच्छा नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स की दिक्कत लग रही है, अगर पॉइंट्स में ऐसा लग रहा है कि आपके क्रेडिट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। नहीं, नेक्स्ट बात करते हैं रहमत शाह की। तो रहमत शाह भी एक अच्छे फॉर्म में नहीं है, 3 मैच में 72 रन बनाए इन्होंने जिसमें से जो है 24 का एवरेज है इनका और स्ट्राइक रेट भी इनका ही करता है, तो इतने अच्छे फॉर्म में ये नहीं है। फिर शहीदी की बात करते हैं, ये वहाँ के कैप्टन, 11 इनिंग में इन्होंने 309 रन बनाए हैं और जिसमें से जो एवरेज निकल के आता है वो 28 का है, 350 है जिसमें से 250 आई थिंक इसी वर्ल्ड कप में आए हैं, जिसमें से इनका जो स्कोरिंग रेट है वो 60 का है। तो ये एग्रीगेट स्कोरिंग रेट है, बट इस वर्ल्ड कप में ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो अगर आप चाहें तो इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। मैं भी इनको अपनी टीम में मैं नहीं रखूंगा क्योंकि मेरी टीम में ऑलरेडी प्लेयर्स कंप्लीट हैं। तो अगर चाहें तो आप अपनी
टीम में इनको रेस्ट रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम अजमतुल्ला अमरजाई की बात करते हैं, तो ये भी एक अच्छे फॉर्म में नहीं है। 3 मैचों में इन्होंने 103 रन बनाया है। इन्होंने लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, 34 का इनका एवरेज है, 150 है इनके नाम पे, और जो स्ट्राइक रेट है इनका 91.15 का है। तो अगर चाहें तो आप अपनी टीम में रखिए, मैं इनको टीम नहीं रखूँगा अपने, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं हम मोहम्मद नाबी की, तो नाबी एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बैटिंग के साथ साथ ये गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। बैटिंग की बात कर लें तो 18 मैच में इन्होंने 231 रन बनाए हैं, जिसमें से हाई स्कोर इनका 52 का है। इनका जो एवरेज है ये 12.82 का है, और जो स्ट्राइक रेट है वो 68 का है। आप इस एवरेज और स्ट्राइक रेट पे मत जाइएगा दोस्तों, ये बहुत बार बहुत क्रूशल गेम खेलते हैं। लास्ट मैच में इन्होंने अपनी बॉलिंग के दम पे इंग्लैंड को शिकस्त दे दिया था, 134.2 ओवर में इन्होंने 806 गेंदे फेंकी हैं, जिसमें से एक मैडन है, और 662 रन केवल दिया है। जी हाँ दोस्तों, 662 रन, और इन्होंने 15 विकेट झटका है, ठीक है। तो एवरेज इनका निकलता है 44.18 का। इन्होंने एक बार 4 विकेट लिया है, 30 रन दे, इनका 4 विकेट बेस्ट फिगर है, उच्चतम फिगर है इनका। और जो इकोनॉमी है इनकी 4.93 की है, जो स्ट्राइक रेट है इनका 53.73 का है। तो मैं अपनी टीम में इनको दोस्तों रखूँगा, अगर आप चाहें तो अपनी टीम में रख लीजिए, ज़रूर रखिएगा आप अपनी टीम में इनको। नेक्स्ट बात करते हैं हम राशिद खान की, तो राशिद खान ने 12 मैच खेला है, 12 मैच में इन्होंने 153 रन बनाया है, 153 में इनका है जो हाईएस्ट रन है वो 35 का है, जो एवरेज है उनका जो 12 का है, और जो स्ट्राइक रेट है उनका 99.35 का है, ठीक है। तो ये एक अच्छे बैट्समैन के साथ एक वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, जिन्होंने 98.2 ओवरों में 590 गेंदे फेंकी हैं, 2 विकेट लिया है, 2 मेडल फेंका है इन्होंने, और 559 रन खर्चे हैं, और 11 विकेट है दोस्तों। तो ये इनको वर्ल्ड कप में लोग बहुत ही आराम से खेल लेते हैं, बट जब भी स्पिनिंग ट्रैक आएगा ये अपना कहर ढाएंगे ढाएंगे। इन्होंने 37 रन देके 3 विकेट लिया, इनका बेस्ट फिगर है, और ये 5.611 इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इनका अमूमन जो ओवर्स होते हैं वो लास्ट के ओवर में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम मुजीबुर रहमान, इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली इधर बीच एज अ बैट्समैन, और इनकी बॉलिंग तो वर्ल्ड क्लास है ही, ये दुनिया भर की लीग्स खेलते रहते हैं। इन्होंने 9 मैच खेले हैं, 9 मैच में ये 4 बार नॉट आउट गए हैं, इनका जो एग्रीगेट बन के आता है वो 67 है, और जो हाई स्कोर है इनका वो 28 का है, जो एवरेज है इनका 13.40 का है, और जो स्ट्राइक रेट है उनका 109.84 का है दोस्तों। अगर वहीं इनकी बॉलिंग की बात किया जाए तो इन्होंने टोटल 82.5 ओवर फेंके हैं, इन 82.5 ओवर में 497 गेंदे फेंकी हैं, जिसमें से 2 मेडन है, 404 रन खर्चे हैं, और 10 विकेट लिया है दोस्तों इन्होंने, ठीक है। और इनका जो नॉर्मली जो ओवर्स होता है वो पावर प्ले में होता है, और ये पावर प्ले में 1-2 विकेट तो ज़रूर झटकते हैं। तो ये ओवरऑल इनका एनालिसिस है मुजीबुर रहमान का। इनका जो बेस्ट फिगर है वो 39 रन दे के 3 विकेट का है, जिसमें इकोनॉमी उनकी जो है वो 4.88 की है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नवीन उल हक की, तो नवीन उल हक ने टोटल 16.4 ओवर फेंका है वर्ल्ड कप्स में, और 100 गेंदों फेंकी हैं, जिसमें से 1 मेडल है, 106 रन खर्चे हैं, और इनको केवल 2 सफलताएं मिली हैं। तो एक अच्छे ये बॉलर हैं, बट अभी तक इन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी छाप नहीं छोड़ी है, और चूंकि चेन्नई का पिच है जो बॉलर्स को स्पिनर्स को ज़्यादा मदद करेगा, तो मैं इनको अपनी टीम में पिक नहीं करूँगा, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप अपनी टीम में इनको पिक करें। हज़रत नेक्स्ट बॉलर हैं आपके
फैज़ल हक फारूकी, फैज़ल हक फारूकी ने 12-18 ओवर फेंके हैं, 18 ओवर में 108 गेंदे फेंकी हैं, 119 रन दिए हैं और इनको केवल 2 विकेट मिला है, ठीक है। तो अब भी इनको टीम में, इनका जो स्टैट्स इन बता रहा है कि ये एक अच्छे गेंदबाज हैं, बट अभी तक इन्होंने वर्ल्ड कप में हालिया फॉर्म इनका ठीक नहीं रहा है, तो मैं इनको इनको अभी इनके हालिया फॉर्म को देखते हुए इनको अपनी टीम में कंसीडर नहीं करूँगा। तो ये रहा दोस्तों मेरा टीम एनालिसिस। इस पूरी टीम में मैं सबको अपनी अपनी टीम में रख रहा हूँ, और किनको किनको नहीं रखना है मैंने आपको अपनी पूरी पूरी एनालिसिस करके बता दिया कि आप किन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखिएगा और किन प्लेयर्स को आप अपनी टीम में नहीं रख सकते हैं, उनके जो है हालिया फॉर्म को देखते हुए, उनके रिकॉर्ड्स को देखते हुए, उनकी स्किल को देखते हुए कि वो किस टाइप के बॉलर हैं, किस टाइप के बैट्समैन हैं, कहाँ खेलते हैं वो, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस आप अपने अपने जहन में रखिएगा। मोस्टली क्या होना रहता है कि अगर आप स्पिनर लेते हैं, लेट सपोज कि आप स्पिनर लेते हैं, तो स्पिनर जो आएगा वो टॉप ऑर्डर के एक दो तीन को गेंदबाजी तो नहीं करेगा, वो मिडिल ऑर्डर की गेंदबाजी को गेंदबाज मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को गेंदबाजी करेगा, ठीक है। तो जब वो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को गेंदबाजी करेगा, तो आप इन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को पिक नहीं करिएगा। अगर आप इनको पिक करते हैं तो आप जो है इन स्पिनर्स को पिक नहीं करिएगा, ठीक है। इन स्पिनर्स को पिक नहीं करिएगा, आप इन फास्टर गेंदबाजों को पिक करिए, ठीक। पहली चीज़ ये हो गई, इस एक्सपेक्ट में आप अपनी टीम बनाइएगा। दूसरे एक्सपेक्ट में की बात करता हूँ मैं, कि दूसरे एक्सपेक्ट में कि किस टीम को आप फेवर कर रहे हैं, आप न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान को फेवर कर रहे हैं, ये भी आप अपने माइंड में ध्यान में रख के टीम को बनाइएगा। कि अगर न्यूजीलैंड को फेवर कर रहे हैं, न्यूजीलैंड चाहते हैं, आपकी एनालिसिस ऐसा कहती है कि न्यूजीलैंड जीतेगी, जो कि पेजेस और उनके स्कोर्स और उनके करेंट फॉर्म को देखा जाए तो न्यूजीलैंड ज़्यादा भारी पड़ेगी अफगानिस्तान में, बट ये क्रिकेट है, आप नहीं जानते हैं कि क्या होने वाला, बट एजम्पशन है कि न्यूजीलैंड जीतेगी, तो आप न्यूजीलैंड की जीत के अकॉर्डिंग अपनी टीम बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि आपका टॉप ऑर्डर चलेगा, तो अगर इवन मान लीजिए कि मैं इन टॉप ऑर्डर को बोलता हूँ कि ये टॉप ऑर्डर चलेगा, यानी इनके जो फास्ट बॉलर हैं इनको विकेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनको जब विकेट नहीं मिलेगा तो ये जो है फेल हो जाएंगे, ठीक है। और आप अगर आपने इनको पिक कर लिया, इन दोनों को पिक कर लिया, अगर टॉप ऑर्डर को भी पिक कर लिया और इनको भी पिक कर लिया है, ठीक है, तो आपका पॉइंट्स वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें, माइन्यूट सी चीज़ें हैं आपकी एनालिसिस, जो एनालिसिस को और बेटर बनाती हैं। आप इन सब चीज़ों को समझते हुए अपनी टीम क्रिएट करिएगा, और एक नहीं कम से कम 3 से 4 टीमें क्रिएट करिए हर एस्पेक्ट को देखते हुए, तो आप अपना ज़रूर से ज़रूर अपने लीग में टॉप पे रहेंगे ये दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन, और एक और बात कि मैं इनमें सबसे ज़्यादा मैं जो कैप्टन बनाऊंगा, तो मैं राशिद को बनाऊंगा, राशिद और कैप्टन और वाइस कैप्टन में बनाऊंगा कॉनवे को, कॉनवे को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर किसको आप कैप्टन बना रहे हो, किसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं। हो सकता है कि मैं इनको चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं, इनको वाइस कैप्टन बना दूं और कॉनवे को कैप्टन बना दूं, बट आप अपनी अकॉर्डिंग इसको देखते रहेगा। क्यों क्यों क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट करेगी, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो इस तरीके से अगर आप अपनी टीम बनाते हैं, तो डेफिनेटली हर एक लीग में आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, एक अच्छा पैसा कमाएंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।